दोस्तों, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आजकल मोबाइल या अपने सिम कार्ड को रिचार्ज कराने के लिए कोई भी व्यक्ति बाहर शॉपकीपर या दुकानदार के पास नहीं जाता। हर कोई अपने मोबाइल से ही नेट बैंकिंग, गूगल पे, फ़ोन पे जैसे एप्लीकेशन से अपने मोबाइल के सिम कार्ड को रिचार्ज कर लेते हैं। चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, आइडिया, एयरटेल, जियो की सिम हो, तब भी व्यक्ति जो है रिचार्ज कर लेता है। तो गूगल पे से रिचार्ज कैसे करते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। मेरे YouTube चैनल न्यूज़ अब तक में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए सीखते हैं कि गूगल पे से मोबाइल सिम कार्ड को कैसे रिचार्ज करते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, साथ ही गूगल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। तो सबसे पहले गूगल पे को ओपन करते हैं। ये मैंने गूगल पे ओपन कर लिया है। इसमें ये पिन कोड मांग रहा है, जो कि मैंने सेट कर रखा है ताकि मेरे इस एप्लीकेशन को कोई और हैंडल ना कर सके। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये गूगल पे ओपन हो गया है। अब इसमें हम आपके इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जियो प्रीपेड, आइडिया प्रीपेड, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, ये सब इसमें ऐप्स दिए हुए हैं। तो अब मुझे क्या है, न्यू पेमेंट करना है। तो मैं न्यू पेमेंट पे क्लिक करूँगा। न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद सीधा दो ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट। तो हमको मोबाइल रिचार्ज करना है तो हम मोबाइल रिचार्ज करेंगे। ये मैंने मोबाइल रिचार्ज के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर हम या तो मोबाइल नंबर डाल दें या फिर सिलेक्ट ऑपरेटर्स कर दें। तो हम मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, तो मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ इसमें। ये देखिए, जैसे ही मैं नंबर डस पे डालूंगा तो ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए, ये नाम आ गया है। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ये इसने नंबर भी जो ऑटोमेटिक ले लिया है, और जैसे ही नंबर पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये आ गया इसमें कि आइडिया प्रीपेड का जो है सिम कार्ड है, तो हमें आइडिया का रिचार्ज करना है। कितने से रिचार्ज करना है वो भी हम इसमें देख सकते हैं। वैसे लास्ट टाइम पर मैंने इसमें 49 का रिचार्ज किया था, तो मैं वही 49 का रिचार्ज करके आपको दिखा दूंगा। और आप यहाँ पर सर्च प्लान भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 4G, 3G, 2G ये डाटा ये भी देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से प्लान हैं, बहुत सारे इसमें प्लान, ये प्लान भी सर्च कर सकते हैं। ये रिकमेंड कर रहा है आपको, आइडिया कंपनी रिकमेंड कर रही है ये प्लान, स्पेशल रिचार्ज। यहाँ से आप स्पेशल रिचार्ज कर सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं, अदर्स में ये कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लास्ट टाइम जो मैंने किया हुआ था 49 का, वही रिपीट करूँगा, रिपीट रिचार्ज। तो 49 का जो है रिचार्ज मेरे इस मोबाइल में हो रहा है। उसके बाद ये देखिए, ये मेरा जो बैंक अकाउंट है वो भी आ गया है, ईमेल आईडी भी आ गई है। अब हम प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, एक मैसेज भी आ गया, फॉर ए बेटर एक्सपीरियंस टर्न ऑन डिवाइस लोकेशन। ये मैंने ओके कर दिया है। जैसे ही मैंने ओके किया, पेमेंट प्रोसेसिंग ये लिखा हुआ आ रहा है, ये अभी प्रोसेसिंग चल रही है इस पर। अब ये पिन मांग रहा है, जो कि मैंने एक सेट कर रखा है कि जब तक मैं पिन नहीं डालूंगा तब तक ये पेमेंट नहीं होगा। तो मैं पिन डाल देता हूँ और ये टिक पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। अब फिर से ये पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है। ये देखिए, टिक का निशान आ गया, यानी कि हमारा जो है आइडिया प्रीपेड की जो सिम कार्ड है वो रिचार्ज हो चुका है। दोस्तों, यदि आपको ये सिंपल ट्रिक और मेथड पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, यहाँ मेरे पास भी मैसेज आ गया है, रिचार्ज फॉर 49 प्रोसेस्ड, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड शॉर्टली इन योर आइडिया प्रीपेड अकाउंट। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।